हेलो दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। चलिए दोस्तों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं रिलैक्सो फूड बियर के बारे में। देखिए, रिलैक्सो फूड बियर हम आपको बताना चाहते हैं 20 से 25% जो है कंपनी डाउन हो चुकी है। अब ऐसे में आपको पैसा बाइंग करना चाहिए या आपको सेल कर देना चाहिए या होल्ड करना चाहिए, सारा कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए फटाफट हम स्टॉक के ऊपर आ जाते हैं, फास्ट वे में जाएंगे, हम फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको मिस नहीं करना है, प्लीज़ जो है कि आप वीडियो को पूरा देखना। चलिए दोस्तों, हम आगे रिलैक्सो फूड बियर के ऊपर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, देखिए 1082 रुपये इनका करंट प्राइस चल रहा है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दिखा दें, देखिए रिलैक्सो फूड बियर लिमिटेड इज़ द लार्जेस्ट फूड बियर मैन्युफैक्चर कंपनी इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो है सबसे बड़ी कंपनी है। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, 27,000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। 1082 रुपये करंट प्राइस चल रहा है। 1448 रुपये का कंपनी का हाई था, जो कि यहाँ बहुत ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे फंसे हुए हैं। तो चलिए इनके लिए भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एक चलिए फटाफट जो है कि ओवरव्यू लेते हैं। देखिए 851 रुपये कंपनी का जो कि लो है, 99 का पी है, 64-65 के आसपास बुक वैल्यू है। डिविडेंड भी कंपनी कुछ पे करती है। आरओसी आरओई जो है कि 20 के ऊपर ही, मतलब 26 का जो है कि आरओसी या आरओई जो है कि इनका 20 के ऊपर है, A1 का फेस वैल्यू है। चलिए दोस्तों, देखिए जो कि जैसा कि कंपनी ने बोला भी है कि लार्जेस्ट कंपनी है, तो देखिए एक ये लार्जेस्ट मतलब इंडिया के अंदर फर्स्ट नंबर पे जो है कि रिलैक्सो फूड बियर आती है, उसके बाद बाटा आता है, उसके बाद देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको बताना चाहते हैं, चलिए बाद में बता दें। चलिए कंपनी का एक बार हम P&L देख लेते हैं। देखिए क्वार्टर रिजल्ट में बहुत सारे अप्स एंड डाउन है, अभी इनके जो कि P&L में जो है कि चलिए फटाफट सेल्स को देख लेते हैं। देखिए 554 का, फिर 676, फिर 845, फिर 981, फिर 1180, फिर देखिए 1441, फिर जो है 1668 का, फिर 1631। देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दिखाना है, देखिए यहाँ पे कंपनी कुछ जैसे ही डाउन हुई तो यहाँ पे इनका शेयर प्राइस भी डाउन हुआ होगा, वहीं पे अपने को खरीदने का मौका मिला। फिर कंपनी ने जो है कि कमबैक किया, उसके बाद देखिए 2200, फिर 1900, फिर 2200, फिर 2400, फिर 2300। देखिए यहाँ पे भी कंपनी जो है कि डाउन हुई, जो कि आपको पता है कि 851 रुपये जो आपने देखा ना, वो यही प्राइस है। उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको दिखाना चाहिए, देखिए जो है 2700, फिर कंपनी ने कमबैक कर लिया है अपने आप को सेल्स में। चलिए कंपनी का एक बार नेट प्रॉफिट भी देख ले, देखिए 38-27, फिर उसके बाद 40, फिर 45, फिर 66, फिर 101, फिर 120, फिर 120, फिर 161, फिर 175, फिर 200। देखिए 200 को भी कंपनी ने क्रॉस कर दी है, 225, फिर उसके बाद देखिए जो है 292, फिर 272। देखिए दोस्तों, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी इसमें एक क्वार्टर ऐड होना बाकी है, इसलिए थोड़ा डाउन है, उसके बाद जो कि ये भी ग्रो कर जाएगा। अच्छा दोस्तों, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, कंपनी के पास 1500-1600 करोड़ के आसपास रिजर्व है, और कंपनी आपको बताना चाहते, देखिए एक डेट फ्री कंपनी कंसीडर की जाए, क्योंकि 138 करोड़ बोरिंग कोई इतनी छोटी मोटी बोरिंग जो है कि इतनी बड़ी कंपनी के लिए कुछ मायने नहीं है। 400-500 करोड़ का आसपास इनके पास जो है कि कैश भी है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कि इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न, यही पे हम सब कुछ सारा कुछ डिस्कस करेंगे। देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दिखाना चाहते हैं, देखिए जो है कि शेयर होल्डिंग में 70% जो है प्रमोटर के पास शेयर है। उसके बाद आपको दिखाना चाहते, देखिए FIs ने जो है कि माल को सेल कर दिया है, पहले 3.81% था, उसके बाद 3.22% का स्टेक है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, DIs ने भी माल को यहाँ पे सेल कर दिया है, मतलब 7.08% इनके पास भी है, 6.94% के आसपास अभी इनके पास बचा है DIs के पास। उसके बाद देखिए पब्लिक ने यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर जो है कि बाइंग कर लिया है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों यही डिस्कस करना चाहते, देखिए ये स्टॉक अभी 1400 पे गया था, तो वहाँ पर FIs और DIs ने जो है कि माल को सेल कर दिया, ओके, तो स्टॉक जो है कि नीचे प्राइस चल रहा है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, खरीदने वाले कौन थे, रिटेल इन्वेस्टर ने खरीद लिया। देखिए रिटेल इन्वेस्टर अभी क्या करेंगे, जिस समय जो है कि थक के हार के बेच देंगे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको दिखाना चाहते, देखिए यहाँ पे क्या FIs ने क्या कभी माल को ख़रीदा नहीं, देखिए यहाँ पे 6.96% के बाद जो है 7.04% का स्टेक किया, फिर उसके बाद 7% फिर बेच दिया, फिर देखिए स्टॉक को जो है कि उन्होंने बाइंग किया है, फिर जो है देखिए यहाँ पे सेल कर दिया, फिर जो है कि यहाँ पे जो है सेल कर दिया, फिर अभी फिर सेल कर दिया। लेकिन दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताएं, देखिए जिस समय रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे थक करके मतलब हार जाएंगे, जिस समय स्टॉक जो है कि भाग नहीं रहा है, भाग नहीं रहा, साल दो साल के बाद जब वो बेच देंगे, और तभी फिर मतलब कि सस्ते में जो है कि असली मज़ा जो है कि DIs या FIs ही उठाते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं, रिटेल इन्वेस्टर क्या है कि लॉन्ग टाइम तक होल्ड नहीं कर पाते किसी स्टॉक को, जो है कि वो सस्ते में बेच देते हैं, इसलिए जो है कि यहाँ पे FIs DIs जो है कि बाइंग कर लेते हैं, फिर उनको जो है कि 1400 पे बेचा उन्होंने, फिर जो है कि अभी उनको 1000-1900 रुपये पे उनको बाइंग करने का मौका मिल जाएगा। चलिए दोस्तों जो है कि अभी हम इनके चार्ट पे भी आ जाते हैं। चलिए दोस्तों, हम आगे कंपनी के ऊपर रिलैक्सो फूड बियर के ऊपर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, चलिए इनके जो है चार्ट को भी देख लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं एक बार। देखिए जो है कि
कंपनी ने एक दिन में जो है कि देखिए कंपनी डाउन ही है, उसके बाद 5 दिन में आपको बताना चाहिए, देखिए 5 दिन में भी कंपनी 1 से 1.5% डाउन है। एक महीने में देख लेते हैं, एक महीने में देखिए कंपनी ने 1 से 1.5% तेजी में है, मतलब हरे निशान में है। 6 महीने का देख लेते, देखिए 6 महीने में कंपनी जो है कि दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, अगर एक्चुअल आप हाई से इनके कंपेयर करने जाओगे तो जो है कंपनी 20 से 25% के आसपास जो है कि करेक्ट हो चुकी है। ऐसे में क्या करना चाहिए दोस्तों, सारा कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए एयरटेल डेट एक बार देख लेते हैं। देखिए एयरटेल डेट में हम आपको दिखाना चाहते 17 से 18% दिखा रहा है कंपनी जो है डाउन है। एक साल में दिखा देते हैं, एक साल में दोस्तों नो डाउट देखिए कंपनी जो है कि 25 से 25% के आसपास जो है रिटर्न बना के दे दिया है। चलिए 5 साल में देख लेते हैं, देखिए 5 साल में कंपनी जो है कि अपने को 350% रिटर्न बना के दिया है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों दिखाना चाहते, देखिए जो है कि स्टॉक अभी यहाँ पे जो है आपको बताना चाहते, देखिए कहाँ गिरावट नहीं, यहाँ भी गिरावट है, यहाँ भी गिरावट है, यहाँ भी गिरावट है, यहाँ भी गिरावट है। आपको बताना चाहते देखिए ऐसे ही अप्स एंड डाउन्स के साथ जो है मार्केट चलता है। हम आपसे कहना चाहते जिनके पास भी है प्लीज़ इसको होल्ड कर लें, क्योंकि क्या है हमने आपको आपको इसलिए दिखाया वहाँ पर जो है कि देखिए ऐसे ही FIs और DIs जो है कि माल को सेल करते रहते हैं और खरीदते रहते हैं। इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं हमेशा जो है कि स्टॉक मार्केट में ट्रैप कौन होता है, ट्रैप होते हैं रिटेल इन्वेस्टर जो है कि देखिए यहाँ पे इनका कंसिस्टेंसी जो है कि चार्ट पैटर्न आप देख सकते हैं, ऑल टाइम में जो है 7,500% का रिटर्न है। प्लीज़ जिनके पास भी है होल्ड कर लें, हम इतना ही कहना चाहते हैं होल्ड करें। जिनको ऑवरेजिंग करना है और चाहे तो ऑवरेजिंग भी कर सकते हैं 1,000 के लेवल से, आपको इतना ही कहना चाहते हैं। 1,000 पे चाहिए तो आपको जो है कि बाइंग कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिनको बल्क बाइंग करना है Q4 के इसके रिजल्ट एक बार देख लें, फिर आप चाहे तो बाइंग कर सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।